नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये रोबो कार्ट बनाना सिखाऊंगा जिसे हम जॉयस्टिक से कंट्रोल कर रहे हैं। फॉरवर्ड, बैक, लेफ्ट और राइट चारों मोशन में ये कार्ट मूव करेगा। कार्ट को बनाना बड़ा ही आसान है और मैंने अपने आर्डुइनो प्रोग्रामिंग सीरीज में इसका प्रोग्राम डिजाइन करना सिखा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ये वीडियो जरूर देखें। आपने मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स की सीरीज को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये आर्डुइनो की सीरीज है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो कंपोनेंट्स हमें ये रोबो कार्ड बनाने में चाहिए इस प्रकार है। ये हमें चाहिए एक बेस। ये जो बेस है ये एक आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं या फिर कोई सीडी का केस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो लिया है वो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का केस कवर। और हमें लेंगे दो गियर मोटर्स और हमें चाहिएंगे डेफिनेटली दो व्हील्स। दोस्तों, इन सभी के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इन्हें परचेस कर सकते हैं। हमें चाहिए ये कास्टर व्हील। कास्टर व्हील जो है ये बॉल टाइप का है। और चाहिए हमें आर्डुइनो का यूनो, उसके अलावा कुछ कनेक्टिंग वायर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें चाहिए मोटर कंट्रोलर बोर्ड और एक जॉयस्टिक डायरेक्शन के लिए। चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार हम इसे बनाएं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इन चीजों को परचेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो ये बेस है, इस बेस पर हमें ये मोटर्स लगानी है। तो इस बेस पर हम मोटर्स को यहाँ रखेंगे और एक मार्कर पेन से हम मार्किंग ले लेंगे कि इन मोटर्स को कहाँ पर हम टाई करें। तो एक टाई की मदद से हम इनको यहाँ पर बांध देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे दो मोटर्स रखी है और दोनों मोटर्स की मार्किंग हम ले चुके हैं यहाँ पर। और अब इन मार्किंग्स पर हमें किसी पॉकेट द्वारा दो होल करने हैं जिसमें हम कोई टाई लगाकर हम इसे टाई अप कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक पॉकेट से मैंने इसमें दो होल कर दिए हैं और इसमें हम ये टाई लगाकर इसे टाई अप कर देंगे। टाई मेरी थोड़ी सी छोटी है, आई होप इससे मोटर बंध जाएगी। अगर नहीं बंध पाई तो उसका भी अरेंजमेंट हम कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ये टाई लगाते हैं और इस मोटर को यहाँ पे फिक्स करते हैं और यहाँ पर इसको बांधने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, ये टाई छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम दो टाई का यूज करके इसे हम टाई अप कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैंने यहाँ अटका दिया है और यहाँ पे दूसरी मोटर भी जो है, इस दूसरी टाई से हम टाई अप करने की कोशिश करेंगे। तो इन दो होल्स में से मैंने टाई को निकाला और मोटर को यहाँ पर पुट अप किया और इस तरह से इसे लॉक करने की कोशिश की। ठीक है, टाई अप होने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें दो टाई यूज करनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं किस तरह से हमें दो टाई का यूज करके हम इसे बांधेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, टाई से हमने फिक्स कर दी है मोटर्स और अब मैं इसमें व्हील्स लगाने वाला हूँ। ये है व्हील्स जो मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा इसके शाफ्ट में। गियर मोटर्स और व्हील्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही इजी कंपोनेंट है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे किसी भी साइट पर। ओके, तो ये मोटर्स और व्हील्स लगा दी और यहाँ पर हमें कास्टर व्हील लगाना है। अभी कास्टर व्हील आप देख सकते हैं बॉल टाइप का है और यहाँ पर बहुत ही छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि एक ये बैटरी लेंगे और इस बैटरी के साथ अगर हम इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा कार्ड बैलेंस हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसी तकनीक का यूज़ करेंगे। हम इसी तरह से एक कार्ड यहाँ लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाने के लिए हम डबल साइडेड टेप का यूज़ करेंगे। तो एक कटर की मदद से हम इनको यहाँ से काट लेंगे और इनको यहाँ पर लगाकर कास्टर व्हील को इस बैटरी पर चिपका देंगे। ठीक है, तो एक डबल साइडेड टेप यहाँ लगाई हमने और एक और टुकड़ा लेंगे डबल साइडेड टेप का और इसे हम लगा देंगे इस बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में। और अब इस पूरे को यहाँ पर कार्ट के नीचे चिपका देंगे। तो अब ये पूरा लेवल में आ गया, पूरा बैलेंस हो गया है अच्छी तरह से। ओके, तो अब हम इस पर मोटर्स की वायरिंग करते हैं। मोटर्स पर
तो दोस्तों यहाँ पर हमने मोटर्स को टाई अप कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मोटर के टर्मिनल पर मैंने दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं दोनों मोटर्स पर और ये दोनों वायर्स जो है यहाँ पर ऊपर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा मोटर कंट्रोलर मॉड्यूल। मोटर कंट्रोलर मॉड्यूल जो कि L298 है, इसमें एच ब्रिज आईसी लगी हुई है। एच ब्रिज आईसी क्या होती है? सिंपली एक आईसी है जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकती है और इसकी पोलरिटी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकती है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेफ्ट चैनल है, ये लेफ्ट चैनल लेफ्ट वाली मोटर को कंट्रोल करने के लिए है और यहाँ पर जो ये राइट चैनल है ये राइट मोटर को कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ पर कुछ पावर कनेक्टर्स है, अगर आप देख सकें तो यहाँ लिखा हुआ है 5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर आर्डुइनो से हम 5 वोल्ट देंगे ताकि ये हमारा कंट्रोलर को पावर मिल सके और यहाँ पर हम सेम 5 वोल्ट से मोटर को रोटेट कर सकते हैं। और अगर अलग से हमें कोई मोटर कनेक्ट करना है, जैसे कि इस मोटर को हमें किसी बैटरी से कनेक्ट करना है, तो उसका पावर यहाँ कनेक्ट करेंगे और ये सेंटर वाला जो पिन है ये ग्राउंड रहेगा, बैटरी और आर्डुइनो दोनों से आने वाला ग्राउंड यहाँ सेंटर में कनेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ पिन्स देख सकते हैं आप, यहाँ जो जम्पर लगा हुआ है दोनों साइड में, ये जम्पर PWM कंट्रोल करने के लिए है, मतलब इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। PWM क्या होता है मैंने मेरे प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज में दिखाया है, आपको सिखाया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ओके, यहाँ जो ये 4 पिन्स देख रखे ध्यान से, यही पिंस जो है इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के काम आते हैं। अगर पहली 2 पिंस के ऊपर कंसंट्रेट करें, अगर यहाँ 1 देता हूँ यहाँ 0 देता हूँ तो ये एक डायरेक्शन में घूमेगी और यहाँ 0 और सेकंड पे 1 देता हूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। ठीक है, तो ये 2 पिंस इस मोटर के लिए थी। अगली 2 पिंस जो है राइट साइड वाली मोटर के लिए है, तो इसमें अगर मैं फर्स्ट में 1 देता हूँ और फिर 0 देता हूँ तो ये एक डायरेक्शन में घूमेगी और यहाँ पे 1 और यहाँ 0 देते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगी। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि मोटर कनेक्ट करेंगे इस मॉड्यूल में, आप कर ही लेंगे। तो हमने ये मोटर कंट्रोलर मॉड्यूल लिया, सबसे पहले हमारे कार्ट को सही किया और अब इसके जो ये चैनल है लेफ्ट चैनल में हम लेफ्ट मोटर कनेक्ट करेंगे। उसके लिए इसको अनस्क्रू करेंगे, अनस्क्रू करके हम यहाँ पे लेफ्ट चैनल पे लेफ्ट वाली मोटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप ये प्रोग्राम बना लेंगे, प्रोग्राम तो मैंने बना लिया है, कोड दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको लोड कर लेंगे और फिर अगर आपको लगता है कि मोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस कंट्रोलर पर वायर्स चेंज कर देने। ठीक है, इसमें जो ब्राउन वाला वायर नीचे कर देंगे और व्हाइट वाला वायर ऊपर कर देंगे तो डेफिनेटली मोटर अपना डायरेक्शन बदल लेगी और सही हो जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करती है मोटर तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं पोलैरिटी। ओके, यहाँ पर अब राइट साइड वाली मोटर हम कनेक्ट करने वाले हैं और जैसे हमने लेफ्ट कनेक्ट की थी स्क्रू ड्राइवर से, वैसे ही राइट मोटर को भी कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों आप वीडियोस तो जरूर देखते हैं पर लाइक और कमेंट्स नहीं करते, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको फ्री में रोबोटिक्स सिखा रहा हूँ, आपको मैं सारे कोड्स जो है फ्रीली अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आपको इतना हक मेरा बनता है कि मैं आपसे लाइक्स ले लूँ और कमेंट्स आपको करना बनता है। ओके, तो चलिए हमने दोनों मोटर्स तो यहाँ कनेक्ट कर दी है और अब हम इसके नीचे एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं, क्योंकि हमारा जो ये मेटल का बॉक्स है तो नीचे पिन शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए ये कार्डबोर्ड का बॉक्स, जो कार्डबोर्ड का जो ये है टुकड़ा, ये हम इसे नीचे चिपका देंगे ताकि ये नीचे मेटल शीट पर टच नहीं हो पाए और जो एक्स्ट्रा वायर्स है इनको फोल्ड करके नीचे कर देते हैं ताकि वायरिंग व्यवस्थित लगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आर्डुइनो बोर्ड की तरफ। तो ये हमारा आर्डुइनो का यूनो है, इस तरह से नहीं, हमें इस तरह से लगाना है। ओके, तो इसका जो अब पिन डिस्क्रिप्शन है, तो ठीक है दोस्तों, ये जो मोटर कंट्रोलर है इसमें हमने कुछ वायर्स कनेक्ट कर दिए, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट वायर है, ये ग्राउंड का वायर है और ये +5 का वायर है जो आर्डुइनो बोर्ड से सप्लाई लेगा और यहाँ पर ये 4 वायर्स हैं, इन 4 पिन पर कनेक्टेड है जो हम अपने आर्डुइनो बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ से 1 और 0 1 0 आएंगे दोनों मोटर्स के लिए ताकि उनका डायरेक्शन चेंज किया जा सके। तो ये हमारा आर्डुइनो बोर्ड है, आर्डुइनो का यूनो, और अब हम यहाँ पर ये जो 4 वायर्स है इनको कनेक्ट कर देंगे 8 9 10 11 पर। ओके, तो 8 9 10 11 पर हम इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार। ओके, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो इसका डायग्राम है सर्किट डायग्राम वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मेरे ब्लॉग का लिंक होगा वो, और ब्लॉग पर आपको सारा डिस्क्रिप्शन और कोड वगैरह मिल ही जाएंगे।
ओके, तो ये जो पावर सप्लाई का पिन था वो मैं यहाँ 5 वोल्ट और ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ। ये पावर सप्लाई जा रही है कंट्रोलर को और डेफिनेटली हमारी मोटर्स भी यहीं से पावर सप्लाई ले रही है। ओके, तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है और अब हम जॉयस्टिक कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा जॉयस्टिक है और यहाँ पर आप वायर्स देख सकते हैं, जो ब्लैक वाला है ये ग्राउंड का है और व्हाइट वाला जो है +5, इसके बाद ये एक्स और वाई के लिए है और ये स्विच के लिए ब्लू। हालांकि हम स्विच यूज नहीं करेंगे लेकिन ठीक है, इसमें पिन थी इसलिए हमने एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ओके, पर इसको हम इस प्रोग्राम में यूज करने वाले नहीं है। तो अब इनको जो कनेक्ट कैसे करना है हमारे आर्डुइनो बोर्ड पे मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि ये दोनों पावर सप्लाई के हैं, तो 5 वोल्ट में वाइट हो जाएगा और जो ब्लैक है वो ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सावधानी से आप इन वायर्स को कनेक्ट करें, क्योंकि मैं तो कैमरा ऑन करके ये वायर्स कनेक्ट कर रहा हूँ तो इतनी आसानी से नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन सावधानी से करें, कहीं भी गलत वायर कनेक्ट किया अगर आपने तो हो सकता है आपका कंट्रोलर खराब हो जाए, माइक्रो कंट्रोलर मतलब ये आर्डुइनो बोर्ड खराब हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पर ये वायर्स कनेक्ट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये दो वायर्स, ये दो एक्स और वाई के वायर्स है। तो ठीक है, इसमें जो ये पर्पल वायर है इसे मैं A0 पे कनेक्ट करता हूँ और ग्रे वायर को A1 पर, और ये जो स्विच का वायर है इसकी जरूरत तो नहीं है हमें, फिर भी इसे A3 पे कनेक्ट कर देते हैं। पर A3 पिन को हम यूज नहीं करेंगे इसलिए ये किसी काम आने वाला नहीं है इस प्रोग्राम में। ओके फाइन, तो यहाँ पर इतनी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, सॉरी नॉट प्रोग्रामिंग, इतना सर्किट हमारा बन चुका है। अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे, प्रोग्राम इसमें लोड करना है हमें। तो एक USB केबल से हम इस आर्डुइनो को कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर से, और चलिए अब अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ, लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, अब आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन कास्ट पर है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्ट आपने यहाँ लगा रखी है, सॉरी कार्ट नहीं लगा रखी है, ये कोड लगा रखी है अपनी कार्ट में। ओके, अब आर्डुइनो प्रोग्रामिंग की तरफ हम आ गए। ये हमारा प्रोग्राम है जॉयस्टिक मोटर कंट्रोल 2 गियर मोटर्स के साथ, ये मैंने बनाया है। और ये कैसे बनाया है मैंने अपने आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग सीरीज में बताया था जब हमने जॉयस्टिक को कंट्रोल करना सीखा था, ठीक है। तो इसका कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। अब हम इसे अपलोड करते हैं। तो COM4 पे हमारा आर्डुइनो यूनो लगा हुआ है और चलिए एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो जाएगा, और जैसे ये कंपाइल हो जाता है, ओके, अब हम इसे अपलोड करेंगे। तो अपलोड का बटन दबाएंगे, इसको थोड़ा व्यवस्थित आपको दिखा देता हूँ। और अब हम अपलोड का बटन दबाते हैं और अपलोडिंग शुरू हो गई है। वेट करते हैं जब तक अपलोड होता है। आई थिंक मेरा कनेक्टर थोड़ा सा लूज हो गया, मैं इसे वापस लगाकर मुझे वापस अपलोडिंग शुरू करनी रहेगी। तो फिर से अपलोड मैंने बटन दबाया है और फिर से कंपाइलिंग शुरू हुई है, और कंपाइलिंग पूरी होते ही डन अपलोडिंग। ओके दोस्तों, तो यहाँ अपलोड हो चुका है कोड हमारा। अब आपको मैं इसे मूव करके दिखाऊंगा कार्ड। तो ये हमारा जॉयस्टिक मेरे हाथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब इसको मैं जॉयस्टिक को जैसे मूव करता हूँ, हमारी कार्ड लेफ्ट राइट टर्न फॉरवर्ड बैक सब मूव करने लग गई। ओके, तो अब हम इसे कंप्यूटर से डिसकनेक्ट करते हैं। तो हमने इसे अब कंप्यूटर से डिसकनेक्ट कर दिया है और इसे एक्सटर्नल पावर देते हैं एक पावर बैंक से। और पावर बैंक से पावर देने के लिए हमने पावर बैंक को यहाँ इन सर्किट्स के नीचे लगा दिया है, ठीक है। और लोड बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ इसको पीछे की तरफ लगाया है, नहीं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ व्हील नहीं है कास्टर व्हील, तो वो उस तरफ झुक जाती। तो हमने यहाँ पर ये जो स्टिक तो अलग रहेगा, इसके वायर्स को व्यवस्थित करना है। इस केबल को मैं यहाँ लगा देता हूँ और इस केबल को यहाँ पर हम सेलो टेप से चिपका देते हैं ताकि ये बार बार मूव ना करे और व्यवस्थित रहे। ओके, तो ये लगभग जो है कंप्लीट है और अब वायरिंग जो है मूव नहीं करेगी। और जो स्टिक लेकर आपको मूव करा के दिखाता हूँ मैं इसे, मूव कहाँ से होगी। पहले पावर ऑन करना रहेगा, यहाँ पे मैंने जॉयस्टिक का सॉरी पावर बैंक का पावर ऑन कर दिया और आप लाइट चल चुकी है, आप देख सकते हैं दोनों बोर्ड में।
अब हम इस जॉयस्टिक को इस तरह से होल्ड करेंगे और अब फॉरवर्ड दबाने पे फॉरवर्ड, बैक दबाने पे बैक, लेफ्ट और राइट। तो आप जहां इशारा करेंगे अभी वहां मूव करेगी, ठीक है। इसी कार्ट को हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि आरएफ फ्रिक्वेंसी के थ्रू इसे वायरलेसली कंट्रोल करेंगे या ब्लूटूथ ऐप के थ्रू इसे वायरलेसली कंट्रोल करेंगे। डेफिनेटली रिमोट से तो मैंने करवा के बता चुका हूँ इसको मूव, जैसा कि आपने मेरा रोबो कार वाला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने आईआर रिमोट से कंट्रोल करवाया था एक कार को। वो चार व्हील वाली कार थी और ये दो व्हील वाली कार्ट है, ओके। तो डिफरेंस ये है कि उसका जो टर्न करने का जो एंगल था, जो टेक्नोलॉजी थी वो अलग थी और इसकी जो है वो अलग है, ओके। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।